करता है यूरोपियन पोलिश ड्राइविंग लाइसेंस बगैर किसी टेस्ट के। मजीद मालूमात के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ें। अरफात, हाउ आर यू? यू ओके? आई एम फाइन। अज़रबैजान एंड पाकिस्तान, इट्स ब्रदर। इसको नाइट बाजार बोलते हैं। जी जी। और ये बहुत अच्छी मार्केट है, यहाँ पर सारे जो फॉरनर हैं, जो गैर मुल्की लोग हैं, वो यहाँ पर रात को काम करते हैं। कितने साल से आप लोग यहाँ पे? मैं तो बस 5-6 महीने हुए हैं। 5-6 महीने हुए हैं आपको? कितना अर्सा हो गया? 1 साल हो गया। ये भाई हमारे लवली सिंह। लवली सिंह जो हैं, लवली आप कहाँ से हैं? हरियाणा पंजाब। ऑन द गो विद अफले। जी हम हैं मौजूद वारसा में और मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर सलमान जो है, जो सलमान मेरे बहुत पुराना दोस्त है, बचपन का तो नहीं, मुझसे छोटा है। लेकिन क्या है कि वारसा आए, आप कल वॉक कर रहे हैं, ये बोल रहा है एक बिल्डिंग में हमको जाना है, मीडिया मार्ट, और अब बिक गई है वो, एक घंटे से चला रहा है कि थोड़ा सा दूर। मैंने ऐसा ना जर्मनी ले जा तू पैदल हमको। खैर हम अब इसके बाद बोल्ट इधर राइट, जैसे ऊपर होती है बोल्ट होती है, वो हम लेंगे और हम जाएंगे वारसा सिटी सेंटर। I wake again, I pray the Lord that I not lay me down to sleep. I pray the Lord that I wake again. I wake again, I wake again, I pray the Lord that I wake. जैसे ही ग्रीन होगा तो हम लोग वॉक करेंगे। एक औरत ने कानून तोड़ दिया है, अब हम जा रहे हैं ऊपर वो उधर पैलेस ऑफ कुल्तूरी जो है, पैलेस ऑफ कल्चर एंड साइंस है, और ये वारसा पोलैंड की सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग है, पूरे यूरोप की ये 5th टॉलेस्ट बिल्डिंग है। ये हमने टिकट लिए ऊपर जाने के लिए, 20 जलोती का एक टिकट है, ठीक है। 20 जलोती यानी कि 5 यूरो के बराबर हो गए। हम ऊपर जा रहे हैं पैलेस ऑफ कुल्तूरी के, और ये 30वीं मंजिल पे जाएंगे,
ये जो तुमने ली है। गाइस हम पहुंच चुके हैं पहले से बहुत ऊंचा है, गैलरी पे जाते हैं, इसकी बालकनी पे जाते हैं, देख रहे हैं इतना खूबसूरत लगता है सिटी। आ जाए मेरे साथ, ये चारों साइड पे हम जो घूम रहे हैं, इस साइड पे आप देखें इधर भी बहुत ज़बरदस्त एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, वो है अल्लाह भला करे यहाँ का इंटरनेशनल स्टेडियम। ये जो आप बड़ा सा देख रहे हैं रेड और ग्राउंड बिल्डिंग, ओल्ड टाउन न्यू टाउन मिक्स है, तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा इस साइड पे जो है ना वो है ओल्ड टाउन वारसा, ये आप लाल लाल बिल्डिंग्स देख रहे हैं आप, ये है वारसा ओल्ड टाउन। सबसे खूबसूरत साइड ये है जो कि मॉडर्न सिटी सेंटर है, मॉडर्न सिटी बहुत खूबसूरत है, इधर से देख के आप किसी चीज़ की कमी नहीं है, इधर एक परफेक्ट सिटी के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ पे जो आप सोचते हैं कि सिटी कोई ऐसा डेवलप सिटी ऐसा होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए। ये मैं बिल्कुल 30th फ्लोर पे ऊपर हूँ पैलेस ऑफ कुल्तूरी के, और यहाँ की ख़ास बात ये कि 34-35 फ्लोर हैं यहाँ के, लेकिन बिकॉज ऑफ पेंडेमिक कोरोना वायरस की वजह से मैंने 3 ऊपर के फ्लोर बंद किए हुए हैं। ये पहले नहीं हुआ करती थी, ये जो जालियाँ लगी हुई हैं ये अभी इन्होंने लगाई हैं सेफ्टी की वजह से। और ये देखिए यहाँ पर जो हाई राइजिंग है, इधर बिल्डिंग हैं, कितना मॉडर्न सिटी सेंटर है यहाँ पर। यूरोप के अभी मैं काफ़ी आपको मेरे पास और भी कंट्रीज़ हैं जहाँ मैं लेके जाऊँगा आपको। अभी मेरा यहाँ पर 3 दिन का ट्रिप है, तो 3 दिन के ट्रिप में क्योंकि किसी भी कंट्री को किसी भी बड़े शहर को जानने के लिए 2-3 घंटे 4 घंटे इनफ नहीं होते हैं। तो यहाँ पर मैं पोलिश लोगों से मेरा वास्ता रहा है इंग्लैंड में आयरलैंड में, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि ये बहुत डेवलप्ड है, बहुत तरक्की याफ्ता है, बहुत ज़बरदस्त जा रहे हैं अपनी ज़िंदगियों के अंदर। आर्किटेक्ट देखें यहाँ का, आर्किटेक्ट बेहतरीन आर्किटेक्ट है, बिल्डिंग पोलिश बिल्डर मशहूर हैं पूरे यूरोप के अंदर। ये देखें आप सामने जो बिल्डिंग दिख रही है वो वारसा का सेंट्रल स्टेशन है। फिर आप इसके बराबर में जो मॉल है जोल्टी तराशे जो है सबसे बड़ा मॉल है यहाँ पर, और बेहतरीन मॉल है, इतना खूबसूरत है, यहाँ से बिल्कुल आप बिल्कुल मेरे सामने देख सकते हैं।
जलोदी तराशे, जलोदी तराशे पे यहाँ का बहुत बड़ा हजारा है मौजूद है। जलोदी तराशे, जलोदी तराशे यहाँ का बहुत बड़ा शॉपिंग सेंटर है दुबासा सेंटर में। और मैं आपको दिखाता हूँ इतना खूबसूरत मॉल है, यहाँ की खूबसूरती इस मॉल की वो एक बहुत मुख्तलिफ है। कैमरे से बनाने की इजाज़त नहीं है यहाँ पे, मोबाइल से बनानी पड़ रही है मूवी। तो हाय मैम, हमने तकरीबन 66 जलोती की हमने अभी खाना ऑर्डर किया, अभी आएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये है कि ये 66 जलोती जो होंगे तकरीबन 15 यूरो होंगे। चिप्स है, पिलो बर्गर हैं, पिलो फिश बर्गर हैं, कैपेचिनो हैं, कॉफ़ी है और बहुत सारी चीज़ें, चिप्स ये पटाख भी हैं यानी कि वेजेस जो कहलाते हैं। तो व्हाट्स योर नेम? जैकब। जैकब, जैकब हमारे साथ हैं। हाउस बोर्सर, बोर्सर इज गुड? गुड, यस। गुड, या? यस, आई लव बोर्सर। यू लव बोर्सर एज वेल? या, बिग बोर्सर। बिग बोर्सर, यू लिव इन बोर्सर? Yes. ये हैं वारसा के मकीन, यहाँ पर रहते हैं ये लोग। हुस्नैया व्याम, पाकिस्तान जिंदाबाद। वारसा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन इंतजाम है। 24 आवर्स का पास जो है वो 26 जलोती और वीकेंड पे यही पास 13 जलोती में मिलता है, जिसमें आप बसेस और ट्राम यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ नहीं की बिकॉज ऑफ COVID-19 सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से, और टैक्सी यूज़ की। दोस्तों मौजूद हैं हम विस्तुला रिवर। विस्तुला रिवर जो है वो पोलैंड का लार्जेस्ट रिवर है और ये तकरीबन 9वें नंबर पे आता है पूरे यूरोप के अंदर, लॉन्गेस्ट 1047 किलोमीटर लॉन्ग है ये रिवर। तो आप देखें कितना खूबसूरत है, इधर काफ़ी उधर सैंड टाइप, सैंडी बीच टाइप का बनाया हुआ है, हैवे रिवर लेकिन बीच नहीं है ये। उधर आप स्टेडियम देख सकते हैं, यहाँ का सबसे बड़ा स्टेडियम है। फिर वहाँ पे आप देखें वो ब्रिज जा रहा है, तो खूबसूरत इधर नज़ारा है। और ख़ास बात जो साइकिलिस्ट देखें, पुल के नीचे से साइकिलिस्ट का उन्होंने ट्रैक बनाया हुआ है। ये भाई हमारे लवली सिंह, लवली सिंह जो हैं, लवली आप कहाँ से हैं? हरियाणा पंजाब। हरियाणा पंजाब, हमारे 3-4 जगह हम इनसे हमने राइड ली है। ये यहाँ पे टैक्सी चलाते हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। और क्या बोलते हैं भैया, कितने अरसे से हो यहाँ पे?
चार साल से कैसा लगता है पोलैंड? बहुत नाइस है। हाँ ज़बरदस्त है। थैंक यू यार, बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग पोलैंड में 2012 में इधर आए और हम लोगों ने देखा कि इधर में हलाल मीट का इतना ज़्यादा रुझान नहीं था, क्योंकि ज़्यादा पोलिश लोगों की कम्युनिटी थी और उस वजह से हलाल का इतना नहीं था कॉम्बिनेशन। तो फिर हम लोगों ने आगे देखा तो हम लोगों ने ये रेस्टोरेंट कबाब शॉप का हलाल मीट काम शुरू किया, जिससे हमें और अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये कम्बिनेशन बहुत अच्छा चल रहा है। लोग हमारे आते हैं और हमारे इधर में हमारी कम्युनिटी पाकिस्तान और इंडियन जो मुस्लिम हैं वो अभी 4-5 साल से ज़्यादा हो गए हैं कम्युनिटी। उस वजह से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम चल रहा है और वो हलाल को ही रिप्रेजेंट करते हैं खाने में। On the go with Jaffrey. हम फ्रांसिस्का स्ट्रीट अब पहुँच चुके हैं और फ्रांसिस्का स्ट्रीट जो है बहुत मकबूल स्ट्रीट है, जहाँ पर रेस्टोरेंट्स कैफ़े वगैरह हैं बहुत मशहूर व मारूफ। यहाँ के अपने जो आउटलेट्स हैं, अपनी जो ब्रांड्स हैं, इसके अलावा भी इधर कोस्टा, नेरो कैफ़े और बहुत से ब्रांड्स दिख रहे हैं यहाँ पर। रूफात हमारे साथ हैं। रूफात से हमने ली टैक्सी एयरपोर्ट वाट्सअप मोहल्दीन एयरपोर्ट के लिए। अभी इसकी जो डैशबोर्ड पे जो पेट्रोल की लाइट है वो रेड दिखा रही है और दिखा रहा है कि पेट्रोल है नहीं इसके अंदर। एक घंटे से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई पेट्रोल ख़त्म हो गया, पेट्रोल डलवा लें। और ये हंस रहा है। तो मैंने बोला भाई हंस क्यों रहा है तू? एक घंटा है मेरे पास एयरपोर्ट पहुँचने के लिए, उसके अंदर जो है हमको चेक इन वगैरह करनी है, तो अगर हम लेट कर देंगे तो हमारी फ़्लाइट मिस हो जाएगी। लेकिन ये हंस रहा है। मैं टेंशन में बैठा हूँ कि यार इसका पेट्रोल तो बिल्कुल ख़त्म हुआ। अभी जाके समझ में आई है ये LPG इसकी गैस डली हुई है, तो अब जान में जान आई है। मैंने मतलब बीच रोड पे रोकेगा और बोलेगा यार पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो और ये स्पीड में ही भगा रहा है। वो समझे मैं बोल रहा हूँ कि स्पीड में भगाओ, लेकिन तो पेट्रोल का पूछ रहा था। खैर एनीवे, अरफाज हाउ आर यू? यू ओके? आई एम फाइन। अज़रबैजान एंड पाकिस्तान, इट्स ब्राज़ा। थैंक यू, वेरी गुड। हाउ लॉन्ग यू बीन हियर? Two years. Okay. Yeah. Do you like Poland? Very like. Not very much now. All right. Okay. And how's Poland for the Muslim people like? How is it? Good? Is it bad? Is it okay? It's good. It's good. Yeah. Oh, very good. This एक नई बात इसने बताई है कि मुसलमानों के लिए बुरा नहीं है। सही है, ठीक है। In Poland living people from Turkey, Azerbaijan, Kurd, Pakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tajikistan. Yeah. All from Muslim peoples, from Muslim countries. Yeah. What do you think about Pakistani people? I know from Pakistan people, very good people. Okay. Yes. All right. We are brothers. Of course, we are brothers. Yeah. Alhamdulillah. Do you like to go to Pakistan? I want to go to Pakistan, but I don't have visa. Okay. Visa is a problem. Yeah. Okay. Will you go to Pakistan when you get the visa? Inshallah. That's very good. Tell me something about Azerbaijan. Is it good? Beautiful country. Would you suggest people to go to Azerbaijan? Azerbaijan is very, very beautiful
country. Okay. Thank you very much for taking us there. Nice to meet you. Inshallah, everything will be good for you, like, you know, for your visa, your family, everything. Inshallah. यहाँ पे लोग जो है बहुत मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं. इन मुल्कों में पैसे मिलते हैं, लोग ये सोचते हैं कि पैसे हैं, सब कुछ है, बहुत ज़बरदस्त, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत सख्त मेहनत है. तो फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नए ब्लॉग के साथ, किसी दूसरी कंट्री में, किसी दूसरे शहर में. अभी हम पोलैंड को अलविदा कहते हैं, फिर मिलते हैं आपसे. ठीक है, बाय बाय. ऑन जी गो विज एफिलिएट.